इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार ने तोड़ी चुप्पी, गले की हड्डी बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड। विकल्प में ये लाने जा रही है सरकार। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी की सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है, जिसे गवाह बनाकर केजरीवाल जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वही गवाह जब बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ का चंदा देता है, तब ईडी उसे पीठ दर्द का बहाना बनाते हुए बेल दे देती है, जिसे भाजपा पूरे घोटाले का किंगपिन कहती है। जब वह चंदा देता है उसे जमानत मिल जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई। कई दर्जन कंपनियां जो आजादी से लेकर आज तक बीजेपी को चंदा नहीं दी, लेकिन जैसे ही ईडी इनकम टैक्स का छापा पड़ता है वह इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों का चंदा देती है। कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिनकी बने पुल धंसे हैं, कई कंस्ट्रक्शन के गिरने से लोगों की मौतें हुई हैं, फिर भी जब वह इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों का चंदा देता है तो उसी कंपनियों को काम का ठेका मिल जाता है। कुछ दवाई कंपनियां जो प्रयोगशाला में सफल नहीं हो पा रही थी टेस्टिंग में, लेकिन जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों का चंदा देती है वो टेस्टिंग में पास हो जाता है। ये सारे सबूत अब आम लोगों के हाथ लग चुके हैं। मोदी सरकार इसलिए चंदा देने वालों का नाम नहीं बताना चाहती थी, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के फटकार के बाद यह काम करना पड़ा। अब मोदी सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, पीएम मोदी ने क्या चुप्पी तोड़ी है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर तरीकों को लेकर सरकार के भीतर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय में इसके इनोवेटिव मॉडल पर दो बैठकें हो चुकी हैं। इसमें चर्चा हुई है कि वह कौन सा तरीका हो जो संविधान के मानकों पर खरा उतरे और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की कसौटी की बाधा पार कर सके। इलेक्टोरल बॉन्ड के नए अवतार वाली स्कीम को कानूनी कसौटी पर खरा रखने के लिए विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। चुनाव आयोग से भी व्यापक परामर्श किया जाएगा। नया मॉडल ऐसा होगा जो मानक पर खरा उतरे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था, यदि कोई व्यक्ति ए यह बॉन्ड खरीदता है तो उसका पूर्ण विवरण रिकॉर्ड में दर्ज जाता है, लेकिन यदि बी यह इलेक्टोरल बॉन्ड सर्टिफिकेट ए को कुछ अतिरिक्त नगद राशि देकर हासिल कर ले और किसी राजनीतिक पार्टी सी को दे दे तो बी का नाम कहीं से भी रिकॉर्ड में नहीं आता है। ऐसे अंदेशों के लिए भी नए इलेक्टोरल बॉन्ड में व्यवस्था करने की तैयारी है। पुरानी व्यवस्था कैसे जारी रहने दे सकते हैं? वित्त मंत्रालय के एक्सिस अधिकारी ने चुनावी फंडिंग के इनोवेटिव मॉडल पर मंथन चल रहा है। पहले बोरों में भरकर नोट इधर से उधर होते थे, इसे जारी रख सकते हैं। पीएम ने कहा था व्यवस्था में कुछ खामी हो सकती है, पैसा आने जाने का पता तो चल रहा था। सरकार के भीतर यह मंथन इस बात को देखते हुए अहम है कि पीएम मोदी ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा था चुनावी बॉन्ड व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, लेकिन पैसे के आने जाने के स्रोत का पता तो चल रहा था। 2014 से पहले पैसा तो खर्च हो रहा था, पर किसे पता था कि वह कहाँ से आया, किसके पास आया।